घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है ये शास्त्रीय संगीत सिखाता है, यानी क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, जो भारतीय शास्त्रीय है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल टू बी मोर स्पेसिफिक। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रीय गीत होते हैं, हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत सुना भी होता है, जैसे कि हमारे बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी साहब, या पंडित जसराज जी, या जो पंडित अजय चक्रवर्ती जी हैं, या कौशिकी जी हैं। ये सारे जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी, और भी इनसे भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, इन्हीं के दर्जे के कलाकार हुए हैं, लेकिन हम उनको कम जानते हैं। हम शास्त्रीय संगीत से समझते हैं जो शास्त्रीय गीत होता है, जो सेमी क्लासिकल सॉन्ग आता है। जैसे अगर कोई सुन ले रफ़ी साहब का वो कि मधुबन में राधिका नाचे रे, तो बोलेगा हाँ ये क्लासिकल है। या फिर सुन ले कि झनक झनक मोरी बाजे पायलिया, तो बोलेगा हाँ ये क्लासिकल है, जबकि वो सेमी क्लासिकल है। क्लासिकल का एक अक्ष है, उसमें एक अंश है उसका, वो क्लासिकल नहीं है। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें तो उसमें रागें होती हैं, उसमें ख्याल गायकी होती है, उसमें ध्रुपद गायकी होती है। तो हम ख्याल गायकी की अगर और बात करें, टू बी मोर स्पेसिफिक हो जाएं, ख्याल गायकी जो कि ज़्यादा प्रचलित है हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो उस पर मैं अगर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं कि राग क्या होता है, एक ख्याल क्या होता है, उसमें आलाप ताने क्या होती है, विस्तार क्या होता है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम सबसे पहले तो ये समझें कि राग क्या होती है। जो संगीत की किताबें हैं उनमें अगर आप परिभाषा ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी कि रंजक स्वर समूह को राग कहते हैं, यानी जो कानों को अच्छा लगे, जो मनोरंजन करे हमारा, जो हमारे मन को प्रसन्न करे, मन को रंजक करे, अच्छा करे, जिसको सुन के बड़ा अच्छा महसूस हो, वो हम इसे हम राग कहते हैं। पर जहाँ तक कि मैंने राग को ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक मैंने राग को समझा, अपना अनुभव आपको मैं शेयर करूँगा, आप देखिएगा कि कहाँ तक आपको लगता है ये करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा इस बात को हमें पता है कि कला जो है, कोई भी आर्ट है, आर्ट एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ आती है ना। जो भी हमारे मन के भाव हैं या जो हमें लगता है विचार हैं हमारे, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए काम आती है। तो मन के भाव तो अलग अलग हो सकते हैं, भाव यानी इमोशन, इमोशन यानी रस बहुत सारे हमारे अंदर हैं, तो वो हम प्रकट करते हैं किसी भी कला के माध्यम से। हम चित्रकारी करते हैं तो हमारी चित्रकारी में वो चीज़ दिखती है, हम गाते हैं तो हमारे गायकी में वो चीज़ दिखती है ना। हम अभिनय करते हैं तो अभिनय से हम उस चीज़ को दर्शाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना, चेहरे के भावों से, हाथ पांव के अंगों से, अंग के भाव से, तो हम उस सबको दर्शाते हैं। तो ये एक परफॉर्मिंग आर्ट का, एक आर्ट का, कला का मकसद होता है कि हम हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो भाव अपने आप जुड़ गए कला से। अब हम आते हैं राग पर। तो जहाँ तक कि वो जो डेफिनेशन है कि रंजक स्वर समूह, संगीत में एक चीज़ होती है स्वर संवाद। संवाद यानी आप जानते हैं बातचीत करना, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, एक दो लोग बात कर रहे हैं, तो आपस में किस तरह से बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उससे एक भाव पैदा होता है। एक मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक समझाने का भाव पैदा हो रहा है, ये समझ लीजिए कि मैं समझा रहा हूँ कुछ आपको। एक होगा कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, प्रेम का भाव पैदा होगा। ठीक है, एक ये समझ लीजिए आपको, हाँ, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते करते आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब आप उससे बात कर रहे, तो एक रिक्वेस्ट का भाव होगा कि माफ़ कर दीजिए अगली बार नहीं होगा, तो उस संवाद में एक रिक्वेस्ट का भाव पैदा हो रहा है। तो ये संवादों से जो भाव पैदा हो रहे हैं, अब आते हैं हम स्वर संवाद पर। जब दो स्वर आपस में लगते हैं, संगीत में सात ही सुर हैं जब आप जानते हैं, सारे गम पध नी, और 12 हो जाते हैं इन चार के दो विकृत लेकर और मध्यम का एक विकृत लेकर। रेग धनी के विकृत हो गए रेग धनी कोमल, मध्यम का विकृत हो गया तीव्र मध्यम, तो कुल मिला के ये 12 हो गए। सुर यही हैं, तब भी इतनी प्रकार की रागें हैं, इतनी प्रकार की रचनाएं आज तक होती आ रही हैं। ये कैसे है, क्योंकि दो स्वरों का संवाद हमेशा अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक प्रेमी प्रेमिका से बात कर रहा है, एक पुलिस वाला एक चोर से बात कर रहा है, एक माँ अपने बच्चे से बात कर रही है, लोग वही हैं, है ना, इंसान वही है, वही मर्द औरत की जात है ये समझ लीजिए, या वही मर्द मर्द की जात है ये समझ लीजिए, लेकिन रिश्ते जो है वो बदल रहे हैं, उस समय एक सिचुएशन जो है वो बदल रही है, तो उससे जो संवाद है, उससे इमोशन जो है वो अलग निकल रहा है। तो यही चीज़ है कि दो स्वर हैं सा और रे या सा और ग, उनका जो संवाद है वो किस तरह से, यानी गंधार को किस तरह से लगाया आपने कि वो दरबारी का हुआ, और गंधार को किस तरह लगाया जो वो मालकौंस का हुआ,
है ना, और गंधार किस तरह लगाया कि वो यमन का हुआ। तो ये जो स्वर संवाद है षड्ज और गंधार का ही मान लीजिए, ये अलग अलग रागों में अलग अलग होता है। तो स्वर संवादों से अलग अलग भाव पैदा होते हैं और इन्हीं स्वर संवादों से बनती हैं स्वर संगतियां। स्वर संगति यानी स्वर समूह, है ना, जैसे कि नीरे ग, ये एक छोटी सी स्वर संगति है, ये यमन अगर आप गाते हैं तो नीरे ग ऐसे लगाते हैं तो ये यमन का गंधार और यमन की स्वर संगति है। यही अगर किसी और में लगेगी तो अलग राग की स्वर संगति है। तो स्वर संवाद से बनती हैं, छोटे छोटे स्वर संवादों से बनती हैं स्वर संगतियां, और उनसे भाव पैदा होते हैं और वो भाव ही राग हैं। ये समझ लीजिए आप कि हर राग की एक प्रकृति है, हर राग एक इमोशन को डिपिक्ट करती है। तो अलग अलग स्वर संवादों से अलग अलग स्वर संगतियां बनेगी और उनसे राग का जन्म होता है, उससे एक भाव का जन्म होता है। राग रस है एक तरह से, है ना, करुण रस की रागे होती हैं, चंचल प्रकृति की रागे हैं, गंभीर प्रकृति की हैं, तो दैवीय प्रकृति की हैं, जिनमें आपको लगता है कि आप किसी की आराधना कर रहे हैं। अलग अलग रस हैं, राग और रस पर तो मैं वीडियो दे ही चुका हूँ, कई बार चीज़ें भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये राग हो गई, अब आते हैं हम ख्याल पे कि ख्याल क्या होता है। ख्याल जैसे कि उर्दू भाषा का एक लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं विचार, थॉट, ख्याल, है ना। हम अक्सर देखते हैं हमारे ख्याल लिखे हुए, हम ख्यालों को गाते हैं, तो वो क्या है, वो किसी राइटर के विचार ही तो हैं, वो एक पोएट्री है, उसमें एक राइम होती है, कई बार राइम नहीं भी होती है, तो वो एक पोएट्री है जिसको हम गाते हैं, वो ख्याल को हम गाते हैं। तो उस ख्याल में हम देखते हैं कि वो जो शब्द हैं क्या वो इन भावों से मैच खा रहे हैं। ऐसे ही तो कंपोजिशन होती है कि शब्द और धुन वो आपस में क्या मैच खाते हैं। तो हमने वो शब्द लिखे, वो ख्याल रचा और देखा कि उस राग से मेल खा रहे हैं क्या, उसके भाव मैच कर रहे हैं, करे तो उसी राग की स्वर संगतियों को उन शब्दों में पिरो के हमने एक धुन बना दी, तो वो एक ख्याल की रचना हो गई गाने लायक। और उसमें ही एक ताल लगा दी हमने साथ में, जैसे कि तीन ताल, झप ताल, एक ताल, रूपक, कोई सी भी, है ना, मत ताल, झप ताल, कोई सी भी हमने ताल लगा दी जो हमें चाहिए, शब्दों की बांट के अनुसार जो हमें ताल जम रही है वो हमने ताल लगा दी। अब आते हैं यहां एक और छोटी सी बात पर कि मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि ख्याल, ठुमरी, भजन, इन सब में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि समझिए, गायकी का जो स्टाइल है, सिंगिंग स्टाइल है, उससे बदलता है। आपके वही शब्द हैं, आपने पीछे ताल कहरवा लगा दी, भजन ठेका लगा दिया और गायकी का अंदाज थोड़ा बदल दिया, तो वही शब्द एक भजन बन सकते हैं, है ना। और उसी के पीछे आपने क्लासिकल की शास्त्रीय जो तालें हैं वो लगाई और गायकी वैसी रखी, तो वो एक ख्याल हो गया, ठीक है। अब इनका विस्तार कैसे करते हैं? विस्तार का मतलब, जो हिंदी शब्द है विस्तार, इसका मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना यानी एलैबोरेट करना उसे और एक्सप्लेन करना, है ना। तो हम राग के ख्याल का विस्तार कैसे करते हैं? उसी राग की स्वर संगतियों को लेके अलग अलग लयों में हम उन्हीं स्वर संगतियों के अलग अलग स्वर संगतियां बनाते हैं और स्वर समूह बनाते हैं और स्वर संवाद पैदा करते हैं, उसी चलन को, उसी प्रकृति, उसी भाव को ध्यान रखते हुए। तेज गति में हो गया तो वो ताने, कम गति, मध्य गति या विलंबित गति जो है उसमें हुआ तो वो आलाप। अब हर घराने में ये जो विस्तार के तरीके हैं ये अलग अलग होते हैं। कई में जैसे कि भिंडी बाजार घराना जो है उसमें मुखविलास होता है, लय विलास के साथ साथ होता है, है ना, तो वो जो है आलापचारी हो गई, उसमें जो बोल आलाप हो गए या स्वर के आलाप हो गए या आकार के आलाप हो गए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते हैं। फिर ताने होती हैं, स्वर की हैं, आकार की हैं, बोल की हैं, फिर धीरे 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 करते करते ऐसे ही बढ़त भी कहते हैं हम विस्तार को, बढ़त होती रहती है। तो ये एक प्रक्रिया है शास्त्रीय संगीत की कि पहले आलापचारी होगी, फिर एक ख्याल गाया जाएगा, बड़ा हो, छोटा हो, कम लय का हो, तेज लय का होगा, फिर उसका विस्तार होगा, फिर तराना, चतुरंग, छोटा कुछ गाया जाएगा, फिर उसमें एक लाइट, उसी राग में कुछ लाइट यानी सेमी क्लासिकल गाया जाएगा, जैसे कि भजन, ठुमरी या अपनी गजल हो गई। तो ये एक प्रक्रिया है शास्त्रीय संगीत की, इसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं, न कि किसी फिल्मी गीत को जिसमें कि शास्त्रीय अक्स है। ये वही बात होगी कि एक गुलाब है, असल गुलाब है, और एक गुलाब जल है, हम उपमा दे देते हैं उसको कि जैसे कहते हैं ना शेरो शायरी में कि ये गुलाब सा है या गुलाब जैसा है या उसका चेहरा गुलाब है, है ना, गुलबदन है वो, तो ये उपमा दे रहे हैं हम उसे। तो वही चीज है, उपमा दे दी जाती है, ये समझ लीजिए, उन गीतों में, उन सेमी क्लासिकल चीजों में, जैसे कि गजल है, भजन है, हम अगर सुनते हैं तो अगर क्लासिकल का अक्स है उसमें, प्योर क्लासिकल नहीं है, प्योर क्लासिकल ये है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और भी वीडियोस हैं इस टॉपिक पर, एंड स्क्रीन्स में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर काफी वीडियोस हैं, वो भी जरूर देखिएगा। ऐसे ही सीखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड से, एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।